जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तू लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुंदिनी मारन, पंडित चल जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं अपन के पास। बालिके आप है कौन और कहां मुझे ले जाना चाहती है? क्या आपको यज्ञ करवाना है? क्या बोलता है पंडित तू, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल चल फटफट कर, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा, अभी मुझे पूजा को करने दो। पूजा वो कब आई, दिखाई तो नहीं दे रही। क्या वो बेडरूम में? क्या बोल रही है आप? मैंने कहा पूजा कहाँ है? आपके समक्ष मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर भी पूछ रही है पूजा कहाँ है। पंडित तू इस पूजा की बात कर रहा है? तो आपने क्या समझा? मैं समझी मेरी करण पूजा यहाँ पे आई है। वो यहाँ पे किस कार्य हेतु आएगी? मेरे को इतना हार्ड हिंदी नहीं आती जितना तू बोलता है। क्या है ना पंडित, मैं और पूजा एक ही प्रोफेशन में है। मतलब तेरे को यही समझाऊं या अंदर लेके जाऊं? क्या कर रही है बालिका आप? तुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? नहीं नहीं, आप जो भी कर रही है ये घोर पाप है, मैंने वेदों में पढ़ा है। ये क्या कर रही है आप? अरे ये क्या कर रही है आप? अरे ये क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है आप? बालिके आपको किसी व्यक्ति को निर्वस्त करने में जरा भी लज्जा नहीं आती? नहीं आती लज्जा, मेरा काम ही यही है। कन्या ओके, इतना घोर पाप। ए पंडित इतना भोला मत बन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चल मुझे और भी क्लाइंट्स के पास जाना है। आपको जहाँ प्रस्थान करना है प्रस्थान कीजिए आप। देख पंडित तेरा नाटक बहुत हो गया, मेरा टाइम खोती मत कर। कैसा नाटक? मेरी धोती तो नहीं दूंगी। क्यों ना दोगी? तेरे को कुछ करना वरना तो है नहीं, ला मेरा पेमेंट दे। कैसा पेमेंट? मैं यहाँ आई इसलिए। क्यों यहाँ आई, मेरा चीर हरण करने के लिए? ए पंडित मैं ऐसे नहीं आई, तूने मेरे को फोन करके बुलाया है। मैं फोकट में कहीं नहीं जाती, मैंने तेरे को कोऑपरेट किया, तूने कुछ नहीं किया, इसमें तेरी गलती है। मेरा टाइम खोटी हुआ पेमेंट तो बनता है। आप मुझ पे निराधार आरोप लगा रही है, मैंने कब आपको दूरसंचार माध्यम से आपको आमंत्रित किया यहाँ? ए पंडित तेरी हिंदी मेरे सर के ऊपर से जाती है, समझा क्या? तू मेरे लेवल वाली लैंग्वेज में बात कर। चल पेमेंट दे, तू जितना टाइम लगाएगा उतना और पेमेंट बढ़ेगा, समझा क्या? अरे बालिके किस पेमेंट की बात कर रही हो? लाओ मेरी धोती दो, कब से अर्ध नग्न में खड़ा हूँ। ए पंडित पेमेंट ला वरना ये तेरा अंडरवेयर भी निकाल दूंगी। बजरंगी बजरंगी यहाँ आओ, मेरा सम्मान खतरे में है, जल्दी आओ बजरंगी। आया महाराज। आओ वाह महाराज वाह, क्या रास लीला है। अरे ओ दुष्ट बालक, दुष्ट मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। मेरा चीर हरण हुआ है। चीर हरण? इस बालिका ने मेरे साथ रासलीला मनाने का प्रयत्न किया है और पेमेंट मांग रही है। घोर अनर्थ, मैं ब्रह्मचारी, इसने हाथों से मुझे स्पर्श किया। ए पंडित इज्जत से मेरा पेमेंट दे दे वरना लातों से स्पर्श करूंगी। तो फोन करके बुलाता है फिर शरीफ बनने का नाटक करता है। तेरे जैसे को मैं अच्छे से जानती है, समझा क्या? ये बजरंगी घर पर है इसलिए शरीफ बन रहा है, जब ये नहीं होता तब मुझे बुलाता। देख मैंने टाइम तो दिया है, मिस्टेक तेरा है, पेमेंट वसूल करके ही जाऊंगी। पेमेंट? पेमेंट किस बात का पेमेंट? बजरंगी तो इस बालिका को समझा। हाँ, हाँ। मुझे रास बिहारी जी के यहाँ पे यज्ञ करने जाना है, विलम्ब हो रहा है मुझे। ए क्या बोलता है, सामने सामने बोलना। बात कुछ ऐसी है, धीरे से सुनो। ठीक है बोल। मैंने फोन करके बुलाया था महाराज जी को, धोती दे दो, यज्ञ करने जाएंगे, फिर हम दोनों रोमांस करेंगे। देख
मेरा टाइम पहले पंडित ने खोटी किया, पहले ही बोल देती है डबल पेमेंट लेगी तेरे से। डबल क्या, ट्रिपल दूंगा। पर एक बात तो है, सरला लंगोट में सेक्सी दिखता है। ये क्या कर रहे हैं? कसरत कर रहे हैं। क्यों? मुझे भी अपनी सेक्सी बॉडी दिखानी है। ठीक है, आज मैं भी जिम नहीं गई, चल तेरे साथ मैं भी जिम कर लेती हूँ। ठीक है। ए बजरंगी, गेट तो बंद कर। हाँ हाँ, गेट। जिम करने से बॉडी मेंटेन रहती है। तुम ठीक कर रही हो, तभी तो मैं डेली कसरत करता हूँ। अच्छा, तो तेरी फिटनेस का ये राज है? तूने शादी मनाई या तू अभी भी कुंवारा है? अभी शादी नहीं की है। क्यों? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तू बाल ब्रह्मचारी है? सिर्फ कहने के लिए, दुनिया की नजर में। तू बड़ा शातिर बंदा है, क्या ड्रिंक व्रिंक करता है? कभी कभी क्वार्टर, ज्यादातर पूरा खंबा ही पी जाता है। पूरा खंबा घटक जाता है एकदम। और तेरा वो पंडित, वो भी पीता है क्या? महाराज जी पीते हैं। वो भी ड्रिंक करता है? नहीं नहीं, वो शराब को हाथ तक भी नहीं लगाते। अभी तो बोला पंडित ड्रिंक करता है, अभी बोल रहा है पंडित शराब को हाथ तक नहीं लगाता। वो शराब नहीं पीते, पूरा 2 लीटर दूध पी जाते हैं। तभी तो पंडित इतना हैंडसम है। तुम्हें पैसा मैं पे करने वाला हूँ, अब तारीफ महाराज जी को कर रही हो। तू नाराज क्यों हो रहा है? तारीफ करने का अलग से पेमेंट कर। मैं तुमको और पेमेंट करूँगा। तू बहुत हॉट और हैंडसम है। थैंक यू। तुम्हारे जैसा स्मार्ट और यंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और क्या, और पेमेंट देगा क्या? नहीं नहीं, पहले से ओवर बजट हो गया है। देख, ये शीला ओवर पैसे नहीं ले रही है, ओवर टाइम भी दे रही है। किसी की तारीफ करना कितना हार्ड वर्क होता है पता है तुझे? मैंने तेरी तारीफ की है। वैसे शीला की जवानी पे लोग फोकट में तारीफ करते हैं, वो भी बड़े प्यार से। मैं भी कर दूँ क्या? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। ट्राई तो कर सकता हूँ। बेकार में ट्राई काय को करने का, जिसके लिए मेरे को बुलाया उस पर ट्राई करना। दरवाजे पे कोई आया है, तुम यहीं पे बैठो, हॉल में मत आना, ठीक है? अब मैं पूरे दिन का पैसा लेगी, मेरा बहुत टाइम खोटी हुआ है। तुम मेरी मजबूरी का नजायज फायदा उठा रही हो। मैं दे दूंगा पूरे दिन का पैसा तुम्हें, खाया ना पिया, गिलास थोड़ा बारा आना। जाके डोर खोल, वरना फोकट में डोर तोड़ देगा। जा रहा हूँ, बैठो तुम यहाँ बैठो। साला कौन आ गया अब दूध में मिर्ची पाउडर लगाने? आज मार खाएगा। क्या मार खाएगा दोस्त? दरवाजा खोलने का विलंब क्यों? और कुत्ते की तरह हाँप रहे हो, अंग प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? महाराज मैं कसरत कर रहा था। कसरत तुम कब से कर रहे हो? आज से महाराज। अति उत्तम, पर प्रातः काल किया करो व्यायाम। जी महाराज जी। महाराज आप तो यज्ञ करने गए थे, क्या हुआ इतना जल्दी आ गए? मेरा आगमन का कारण ये है, श्री रास बिहारी जी ने कोरोना काल को अपने दृष्टि से देखते हुए यज्ञ को कुछ माह के लिए स्थगित कर दिए हैं। वो मुझे सूचित नहीं कर पाए,
इसलिए उन्होंने मुझसे खेद प्रकट किए हैं। महाराज आप तो ईश्वरदास की यह कुंडली देखने जाने वाले थे, वहां क्यों नहीं गए? जाके देख लो ना कुंडली। हाँ बजरंगी, ईश्वरदास के सदन कल प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा मैं। श्री ईश्वरदास जी से मेरी दूर संचार के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। तो महाराज आप अमरीशपुरी जी से मिलाते हैं? अमरीशपुरी जी से? अमरीशपुरी से मिलने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर? जो अभी संभव नहीं है। महाराज मैं समझा नहीं, ऊपर कहाँ? क्या है बजरंगी, श्री अमरीशपुरी बिल्डिंग के सातवें तल स्थित मकान पे रहते हैं। उनके बिल्डिंग का स्वचलित यंत्र खराब है और उतना पद यात्रा तत्काल मेरे लिए संभव नहीं है। क्या करूँ किशन महाराज, कहीं जाने के लिए राजी नहीं है। अंदर भी प्रॉब्लम, बाहर भी प्रॉब्लम। बजरंगी तुम क्या स्वयं से चर्चा कर रहे हो, इतना चिंतित मुद्रा में क्यों हो? नहीं महाराज मैं चिंतित नहीं, खुश हूँ। हाँ इंसान को खुश रहना चाहिए। बजरंगी भोजन का प्रबंध क्या है, मुझे भूख लगी है। महाराज मैंने भोजन तो बनाया ही नहीं। ठीक है भोजनालय से भोजन लेके आओ। महाराज आप ही ले आओ ना, मैं तो वस्त्र भी नहीं पहना हूँ। ठीक है ये लो अंग वस्त्र, शीघ्र पहनो, अति शीघ्र भोजनालय की तरफ प्रस्थान करो और भोजन लेके आओ। महाराज आप ही चले जाते हैं? मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, मेरा आदेश है अति शीघ्र भोजन लेके आओ। जाओ महाराज। जाओ जाओ महाराज। जाओ श्री हरि सब कोई काम नहीं हो रहा है। एक दूर संचार हमको बड़े परेशान करता है। श्री हरि एक तो भूख लगा है, ये खाना नहीं बनाया है और कुछ है भी नहीं। अरे बजरंगी भूत, अरे भूत हनुमान जी बचाओ, भूत है अंदर। जय हनुमान जी, वाह महाराज जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं था, मैं धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। महाराज कभी आप लंगोट में कभी झूले में लगे रहते हो, हा? सामने कन्या है अब फिर भी खुद को धार्मिक बता रहे हो, कैसे अधर्मी पुरुष हो आप? मैं पुरुष नहीं हूँ। पुरुष नहीं हो? मैं सत्य कह रहा हूँ। आज ही श्री रास बिहारी जी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आप पुरुष नहीं हो, आप महापुरुष हो। आप महापुरुष हो के ऐसे कार्य करते हो? पहले ये बताओ ये बालिका किस कार्य हेतु यहाँ पर अभी तक रुकी है? मैं मूर्ख नहीं हूँ। महाराज मैं अभी तक इसको समझा रहा था। तो अर्ध नंग हो के व्यायाम करके समझा रहे थे? महाराज मैं व्यायाम करते हुए इसको समझा रहा था। ठीक है महाराज आप जाके कपड़े पहन लो, मैं इसको समझा के भेजता हूँ। ये तो ठीक है लेकिन तुम भोजन लाने गए थे, भोजन कहाँ है? भोजन? महाराज पैसा यहीं भूल गया था। जाओ पैसे लो, आते शीघ्र भोजन लेके आओ और इस कन्या के लिए भी लेके आओ, और इस कन्या को मैं समझाता हूँ। कन्या मुझे पता नहीं है आपके हृदय में क्या है, पर स्त्री पुरुष का भेद समझना तुझे अत्यावश्यक है। मैं वस्त्र बदल के आता हूँ, तुम यहाँ विराजो और मैं तुझे ज्ञान दूंगा। दोनों के दोनों मुझे बेवकूफ बना दिए और साला मेरा टाइम भी खोटी कर दिए। मैं उस फसरंगी को नहीं छोड़ूंगी, पेमेंट तो मुझे वसूल करना ही होगा, नहीं तो मैं सारा राज उस पंडित को बता दूंगी।